तो आप लोग एंजॉय कर सकते हो। ककोलत ये देख लो, यही झरना है, ऊपर से जो है पानी आ रहा है और यहाँ स्नान करने की जगह है। तो चलिए आप सभी को पूरा सैर कराते हैं और पूरा ककोलत दिखाते हैं आप सभी को, पूरा फुल एंजॉय के साथ। तो हम लोग यहाँ आ चुके हैं नहाने के लिए झरना के पास, बिल्कुल काफी ज्यादा करीब। तभी जो है मॉर्निंग हो चुका है सुबह, और हम लोग चाय लेने के लिए चाय पिए फ्रेश हुए हैं और पटना पहुंच चुके हैं। देखते हैं आप कितना देर के बाद जो है राजगीर पहुंचते हैं, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा है। अभी घूमने के मूड से ही निकल जाने पे यार कहीं भी रुको तो मज़ा ही मज़ा है। भाव खाली को मुँह चलता, हमारे गोलू भी अभिजीत है। देखिए सारा DSLR निकल चुका है भाई, आज पूरा फोटो पूरा दिन भर फोटो शूट होगा। और आप सभी को स्वागत है, चलिए आप जो है पहुंच कर तुरंत घूमने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं, और घूमने के नाम पर ही इतना एंजॉय आज आने लगता है ना। अगर आप लोग कामों में हमेशा बिजी रहते हो तो कभी घूमने जाया करो, घूमने से जितना भी माइंड का प्रेशर होता है, टेंशन होता है, सब हो जाता है। तो घूमना चाहिए इंसान को, तो आप लोग भी घूमिए और अपने जीवन का फुल एंजॉय लीजिए। हो सके तो साल में दो साल में एक बार जरूर आप घूमने के सिलाव का खाजा खाइएगा आप लोग। क्या चीज का? सिलाव, सिलाव, सिलाव। जगह का नाम है सिलाव। अच्छा, जगह का नाम है सिलाव। यहाँ का खाजा फेमस है। यहाँ का खाजा वो जो पेड़ पे होता है? नहीं नहीं, खाजा भी खाया है बाजार में, नहीं रहते हम लोग। अच्छा, खजूरी मिठाई। तो चलिए चलते हैं राजगीर, कर देंगे रास्ते में, इधर एक फोटो खींच लीजिएगा। हाँ, आराम से, और फिर आप सभी को घुमाते हैं। घोड़ा बाजार की कौन है ना, घोड़ा कटोरा। तो ये देखिए सब खाजा मिठाई है, यहाँ का फेमस है बिल्कुल, हर दुकान पे खाजा मिठाई है एकदम बिल्कुल। तो अभी जो है प्लान हो रहा है कि पहले कोटा जाएंगे, ठीक है, कोटा फॉल, ककोटा फॉल जाएंगे और वहां से वापस आएंगे, फिर राजगीर घूमेंगे। तो आप सबको जो हो सकता है कि सेकंड ब्लॉक में वो वीडियो देखने को मिले राजगीर का, तो कोटा फॉल जो है बहुत ज्यादा अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो चलिए वहाँ घूमते हैं और आप सभी को इंजॉय देते हैं। तो आप लोग अगर नहीं घूमना चाहते, बिल्कुल लाइफ बिजी है, तो आपका भाई है ना घुमाने के लिए, तो मैं चलिए आप सभी को घुमाता हूँ और इंजॉय कराता हूँ कोटा का और राजगीर का भी। स्वागत है, ये देखिए राजगीर में आपका स्वागत है, हम लोग एंट्री कर रहे हैं और ये आ गया राजगीर, और ये जो है अभी बन रहा है हाईवे। भाई ट्रेन का आवाज आया, वाह क्या बात है। तो ये देखिए हम लोग ट्रेन से 11 बजे लगा चुके हैं और देखते हैं कौन जीत रहा है। ट्रेन जीत चुका है और हम हार चुके हैं। हार चुके हम लोग, ब्रो भी हार इसलिए गए हैं सरकार हमको, देखिए आप गेट बंद हो गया इसलिए हार गए हम लोग। तो दोस्तों फाइनली जो है हम लोग पहुंच चुके हैं ककोलत, ठीक है, और आप सभी को बैक कैमरा दिखाते हैं कि कैसा दिख रहा है। वाओ यार गजब का दिख रहा है, अगर आना होगा तो यार यहाँ पे आओ और फुल एंजॉय के साथ आओ और पूरा घूमो। तो चलिए बैक कैमरा से दिखाते हैं आप सभी को यहाँ का नजारा, और ये देखिए चारों तरफ जहाँ तक नजर जा रहा है सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है, आप देख सकते हो। और हम लोग एंट्री करने वाले हैं और तुरंत पहुंचने वाले हैं। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं और यहाँ का नज़ारा देख सकते हो, अब चलते हैं वहाँ स्नान करेंगे और फिर जो है वहाँ का नज़ारा आप सभी को दिखाते हैं। ये जो है गेट हो गया ककोलत जल प्राप्त एक तारा,
तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं और चलते हैं वहाँ जहाँ पे पानी गिरता है, और सब कोई जो है आगे हैं, हम पीछे हो चुके हैं। और यहाँ पे हर चीज़ का व्यवस्था है, खाना उना हर चीज़ का व्यवस्था है, काफ़ी शानदार है। और सीढ़ियाँ भी हम लोग चढ़ रहे हैं। क्या है घर ये? ये कहाँ चश्मा है जी पास में? तो चलते हैं वहाँ पे, कुछ स्टाइल वगैरह मारते हैं, मजा लेते हैं जगह। हंस क्यों रहे भाई? नहीं नहीं, कह रहे हैं काकि आपके पास भी है। सबके पास होता है। और देखते हैं कितना ऊपर चढ़ना है भाई। ज्यादा ऊपर चढ़ना है क्या? चढ़ते रहिए। 100 सीढ़ी 100 सीढ़ी अभी भी यहाँ से 105 सीढ़ी भी है। यहाँ से 105 सीढ़ी है। ओके, तो 105 सीढ़ी चढ़ के जाना है भाई। और आप सभी को सीढ़ी दिखा दे, खारा सीढ़ी चढ़ा हुआ है। अगर आना होगा तो भाई पूरा हियाओं के साथ आना होगा, पूरा दिन भर चलना ही है। अब मान लो कि जो उतना नहीं चल पाता है उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा ना। तो चलिए दिखाते हैं आप सभी को बैक कैमरे से। ये कैसा पानी गिर रहा है? प्रेशर का। अच्छा, ये सब पहाड़ी को काट कर बनाया गया है ना। और ये देखो भाई, पहाड़ से जो है पानी गिर रहा है। मैं दिखा दूं आप सभी को। काना पर उठाओ। हो गया, कान फटेगी। विनय जी से पीछा हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग जो है थक चुके हैं। हम लोग नहीं, हम थक चुके हैं। और पता नहीं ये लोग थके हैं कि नहीं थके हैं। हाँ गोलू भैया जी, मोबाइल के चक्कर में गिरिएगा मत। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। थकान महसूस हो रहा है कि नहीं? वो तो होना ही है। अच्छा, तो आप दिखा रहे हैं आप सबको नज़ारा बैक कैमरे से झरने का। और ये देखो, ये जो इसे देख कर जो है कोई फीलिंग नहीं आ रहा है थकान का, लेकिन दिल में इच्छा हो रहा है कब वहाँ पे जाऊँ और झरने का पानी से लंगते ना। नहा लिया जाए। ये देखिए, लग रहा है कि हम लोग काफी ज्यादा शानदार आ चुके हैं। ये देखिए, जूम करके दिखाते हैं। और जिसका इंतजार था उस घड़ी जो है काफी नजदीक आ चुका है भाई। और ये देखिए, ये पानी कितना ऊपर गिर रहा है भाई। वहां पे जाली भी लगा है ना, जहाँ से पानी गिर रहा है। अच्छा, पत्थर उत्थर नहीं तो किसी को भी हानि पहुंच सकता है। और ये देखिए यहाँ का ये नज़ारा है। तो आप लोग एंजॉय कर सकते हो ककोलक। ये देख लो, यही झरना है, ऊपर से जो है पानी आ रहा है। और यहाँ स्नान करने की जगह है। तो चलिए आप सभी को पूरा सैर कराते हैं और पूरा ककोलक दिखाते हैं आप सभी को, पूरा फुल एंजॉय के साथ। अगर आप लोग नए भी आना चाहते हो तो मेरे साथ बने रहो और पूरा फुल एंजॉय करो। पूरा नज़ारा आप सभी को एक बार दिखा दूँ। ये नज़ारा जो है जहाँ पे झरना है पानी जहाँ से गिरती है वहीं का नज़ारा है। और जो है पूरा दिखाते हैं आपको, पूरा शेयर कराते हैं। ये लगभग जो है राजगीर से 60 किलोमीटर पड़ता है यहाँ पे ककोलक। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो फुल इंजॉय करने के लिए। Hey!
और हम लोग यहाँ आ चुके हैं नहाने के लिए झरना के पास, बिल्कुल काफी ज्यादा करीब। पूरा फुल इंजॉय लोग कर रहा है और मैं भी जा रहा हूँ पूरा फुल इंजॉय कर रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है, काफी ज्यादा मजा आने वाला है भाई। तो मोबाइल पर ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं भाई, क्योंकि ये मेरा जान है, ठीक है। इस मोबाइल के ऊपर लाखों लड़कियां कुर्बान है, मोबाइल को खराब नहीं होने देना है। मोबाइल से पानी गिर रहा है भाई, देख लो इतना पानी गिर रहा है। तो चलिए चलते हैं और दो चार फोटो ले लेते हैं अपने फ्रेंड का। तो आप लोग करीब से फोटो ले लो। तो आज जो है पूरा पानी पानी वाला फीलिंग आ रहा है और चलते हैं नहाते हैं और मोबाइल पर ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मोबाइल को रख के आते हैं, फुल एंजॉय लेते हैं। कहाँ गया रोशन जी? तो दोस्तों हमें बहुत ही उम्मीद होगा कि ये वीडियो आप सभी को काफी अच्छा लगा होगा कोकलट का, और यहाँ से एंजॉय करके हम लोग अब जा रहे हैं राजगीर, वहाँ पे एंजॉय करेंगे। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, और ये वीडियो कैसा रहा आप कमेंट करके जरूर वीडियो देखिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसके बाद जो है आप सभी को जो देखने को मिलेगा राजगीर का मिलेगा। और चलिए यहाँ पे जो है इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।